Hey guys, welcome back again on channel. Pizza, दुनिया की सबसे ज्यादा खाए जाने वाली चीजों में से एक है। आज पिज्जा दुनिया का फास्ट फूड किंग बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब और कैसे पिज्जा की शुरुआत हुई, और क्या आप लोग जानते हैं कि पिज्जा का आविष्कार सबसे पहले कहाँ किया गया था? चलिए जानते हैं पिज्जा से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में और उसके इन्वेंशन के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टेट। आप अंदाजा लगा सकते हो हर साल इन पिज्जा कंपनियों द्वारा पूरी दुनिया में कितने पिज्जा बेचे जाते हैं। हर साल दुनिया भर में 5 अरब से भी ज्यादा पिज्जा बेचे जाते हैं, और आज पिज्जा दुनिया का सबसे पॉपुलर फास्ट फूड इसलिए ही बना हुआ है। और पिज्जा का ना प्राचीन कालीन इन्वेंशन तकरीबन 2100 साल पहले का है, जो ग्रीस से शुरू होता है। कई सालों पहले ग्रीस में ना फ्लैट ब्रेड बनाई जाती थी, जिसे प्लेकाउंट्स कहा जाता था। इस प्लेकाउंट्स की टॉपिंग ये रहती थी मीट, चीज, प्याज, लहसुन और अलग अलग तरह की सब्जियों से बनता था प्लेकाउंट्स, जिसे आप आज से 2100 साल पहले का पिज्जा कह सकते हो। आज आप जिन पिज्जास को इन बड़े बड़े पिज्जा रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजीज में जाके खाते हो ना, उन पिज्जास को सबसे पहले 1889 में इटली नेपल्स में राफेल एस्पियोसिटो ने बनाया था। राफेल पेशे से एक बेकर थे, और एक बार क्या हुआ, एक किंग अम्बर्टो फर्स्ट और क्वीन मार्गरेटा नेपल्स इटली के दौरे पे आए थे, और उन्हें फ्रेंच खाना काफी पसंद था, और इसी वजह से उन्हें फ्रेंच ही खाना काफी ज्यादातर सर्व किया गया। एक समय के बाद किंग और क्वीन फ्रेंच खाना खाकर बोर हो गए, और जिसके बाद उन्होंने कुछ नया खाने की फरमाइश की। तभी राफेल एस्पियोसिटो को बुलाया गया। राफेल ने किंग और क्वीन के लिए इटालियन फ्लैग के रंगों में पिज्जा बनाया। इसमें उन्होंने लाल रंग के लिए टमाटर, सफेद रंग के लिए मोजरेला चीज और बहुत सारे टॉपिंग मिलाए। महारानी मार्गरेटा को ये पिज्जा बहुत पसंद आया, तभी से महारानी मार्गरेटा के सम्मान में इस पिज्जा का नाम पिज्जा मार्गरेटा रख दिया गया। ये आज भी दुनिया के कई सारे पिज्जा रेस्टोरेंट्स के मेनू में टॉप पर मिलेगा आपको। पहले पिज्जा को ला मारिनारा पिज्जा के नाम से भी जाना जाता था। मार्गरेटा पिज्जा के बाद अगर कोई पिज्जा दुनिया भर में मशहूर हुआ तो वो था मारिनारा पिज्जा, जिसमें टमाटर, लहसुन, पनीर और अजवाइन को मिलाकर इस पिज्जा को सबसे पहले बनाया गया था यूरोप में, जिसे एक वेंडर ने बनाया था। भारत में पिज्जा ज्यादा पुराना नहीं है। आज से लगभग 26 वर्ष पहले 18 जून 1996 में ग्रीस में जन्म लेने वाले पिज्जा इटली अमेरिका के रास्ते होते होते भारत पहुंचा। पिज्जा हट ने भारत में पहली बार बेंगलुरु में अपना आउटलेट खोला। यहीं से धीरे धीरे भारत के लोगों की जबान पर पिज्जा का स्वाद चढ़ने लगा। पिज्जा हट के बाद डोमिनोज की बात की जाए तो इसका सबसे पहला आउटलेट न्यू दिल्ली में खुला था वर्ष 2009 में। कंपनी ने नाम बदलकर जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड कंपनी रख लिया, और आज भी भारत में यही कंपनी डोमिनोज पिज्जा बनाकर बेचती है। पिज्जा के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। पिज्जा का पहला फैक्ट ये है कि भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान से वापस आए थे, तब उनके लिए स्वागत के लिए खूब तैयारी देखने को मिल रही थी उस टाइम पे पूरे देश में। ऐसे में पिज्जा हट वाले पीछे कैसे हटते, उन्होंने भी अभिनंदन के नाम से ही एक पिज्जा निकाल दिया था उस टाइम पे। पिज्जा का दूसरा फैक्ट ये है कि बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु के रियो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण सिंधु नाम की हर महिला को फ्री पैन पिज्जा दिया गया था उस साल। पिज्जा के तीसरे फैक्ट पे है दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा, जिसकी कीमत है $12,000, इंडियन रुपीज में हो जाएंगे 9,54,000 के आसपास, और इस पिज्जा का नाम है लुइस 13। इटली में सालेर्नो करके एक जगह है, वहां पे मिलता है, और सबसे पहले इस पिज्जा को बनाने के लिए इसके आटे को परफेक्ट बनाया जाता है, जब तक कि इसे बनाने वाले शेफ आपके घर पर ना पहुंच जाए। जी हाँ, इसी मास्टर पीस को आपके घर के किचन में बनाया जाता है। इस पिज्जा में क्या क्या टॉपिंग है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 तरह के केवियर को डाला जाता है, जिसे अनफर्टिलाइज एग कहते हैं। ये मछलियों के अंडे होते हैं, जो मछलियों की एक खास तरह की प्रजाति में से प्राप्त होता है। केवियर अंडे एक स्टर्जन मछली है, उसमें से पाए जाते हैं। इस पिज्जा में नॉर्वे लॉबस्टर, सेलेंटो, बफेलो मोजरेला चीज और मुरे नदी से गुलाबी ऑस्ट्रेलियन समुद्री नमक और दाने डाले जाते हैं।
पिज्जा का चौथा और आखिरी फैक्ट ये है कि 2001 में पिज्जा हट ने अंतरिक्ष में एक पिज्जा डिलीवर किया था। इस पिज्जा के डिलीवरी के लिए पिज्जा हट ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस्को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 इंच का पिज्जा पहुंचाने के लिए 1 मिलियन से भी अधिक की राशि का भुगतान किया था, जो इंडियन रुपीज में हो जाते हैं 7,95,47,000 के आसपास। ये रकम का भुगतान किया था रोस्कोमोस्को और रूसी अंतरिक्ष यात्री यूवी उसाकोव स्पेस में पिज्जा डिलीवरी लेने वाले पहले व्यक्ति होने का सम्मान मिला था। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा ताकि होमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।